दिल्ली और पंजाब में मिली सफलता के बाद अब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी किस्मत आजमा रही है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता लगातार प्रदेश में अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और सत्तारूढ़ भाजपा पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या भाजपा किसका खेल बिगाड़ेगी, यह तो चुनाव के नतीजों के बाद ही तय होगा। पर दावा तो आम आदमी पार्टी के नेता सरकार बनाने का भी कर रहे हैं। चुनाव करीब हो और राजनीतिक पार्टी के नेता बड़े बड़े दावे न करें, ऐसा कहां मुमकिन है। मध्य प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीतकर सरकार बनाने तक का दावा कर दिया है। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है यह तो एक आम वोटर भी जानता है, पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करने के लिए आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जोर शोर से मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आपके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने चुरहुट के रामपुर नैकिन में विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। आप प्रत्याशी अनिंद्र गोविंद मिश्रा और आनंद मंगल सिंह के पक्ष में वोट मांगने के लिए पहुंचे दिग्गज नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला दिया है। जितना इस देश को अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उतना तो मध्य प्रदेश को भाजपा ने लूट लिया है। वहीं संदीप पाठक ने कहा कि भाजपा ने चुनी हुई सरकार को गिराकर और विधायकों की खरीद परोख्त करके ये सरकार बनाई है। भाजपा को सिर्फ और सिर्फ विधायकों को खरीदना आता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।